जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना के जवानों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। सेना और बारामूला पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 आतंकवादियों को मार गिराया। इसके साथ ही सेना और पुलिस के जवानों ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया हुआ है। इसके अलावा अनंतनाग के कोकरनाग में भी आतंकवादियों के खिलाफ जवानों ने कमान संभाल रखी है। यहां सुरक्षा बलों के ऑपरेशन का चौथा दिन है। आतंकवादियों की हरकत पर आसमान से भी नजर रखी जा रही है। अनंतनाग का पहाड़ी इलाकों के जंगलों में छिपे आतंकवादियों को ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है। पुलिस के मुताबिक अनंतनाग के पहाड़ी इलाके में छिपे आतंकवादी ऊंचाई से गोलीबारी कर रहे हैं। आतंकियों के ऊंचाई पर होने की वजह से इनके सही ठिकाने का पता नहीं लगाया जा पा रहा है और ये लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। इसके अलावा अनंतनाग जिले के कोकरनाग में भी आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों के मुठभेड़ चौथे दिन भी जारी है। पहाड़ी इलाके में जंगलों में छिपे आतंकवादियों के खात्मे के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है और सेना आज यहाँ बमबारी भी कर सकती है। जानकारी के मुताबिक यहां लश्कर कमांडर उजैर खान एक अन्य आतंकी के साथ छिपा हुआ है। इन्हीं आतंकियों ने कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनेक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट पर फायरिंग की थी, जिसमें तीनों अधिकारी शहीद हो गए। Done.